दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आप केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आगे बीटो के एक और एपिसोड लेकर, और एपिसोड में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आईएसएल 5 से जुड़े, तो जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों आज का पहला न्यूज है मुंबई सिटी एफसी से जुड़े। तो दोस्तों मुंबई सिटी एफसी का आज एक प्री सेशन मैच था 3:30 बजे से, और उनके साथ मैच हुआ बैंकॉक यूनाइटेड का, और इस मैच में मुंबई सिटी एफसी ने अपना जीत हासिल कर लिया। मुंबई सिटी एफसी ने टोटल 3 गोल लगाया, दूसरी तरफ से बैंकॉक यूनाइटेड ने 2 गोल लगाया था और मुंबई सिटी एफसी ने इस मैच को जीत लिया। मुंबई सिटी एफसी की तरफ से मोदो सगो, उसके बाद राइनर फर्नांडेज और प्रांजल भूमिज ने गोल लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों चेन्नई एफसी का टिकट से जुड़े। तो दोस्तों चेन्नई एफसी का जो सीजन टिकट है वो अब अवेलेबल हो गया है बुक माई शो पर, तो आप जाकर वहां से बुक कर सकते हो सीजन टिकट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एटीए के प्रीसीजन से जुड़े। तो दोस्तों आज ही एटीए के एक प्रीसीजन मैच था, दोपहर 2 बजे से मैच हो रहा था और इस मैच पे एटीए हार गया। तो एटीके ने इस मैच पे टोटल 3 गोल से हारा है। दूसरी तरफ जो एफसी जुमिल्ला था, जिनके साथ उनका प्रीसीजन मैच था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर एटीके को इस मैच पे हरा दिया। 3 गोल लगाया था एफसी जुमिल्ला ने। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एफसी गोवा के प्रीसीजन से जुड़े। तो दोस्तों एफसी गोवा का आज ही एक प्रीसीजन होने वाला है 12:00 बजे से, शायद आज तो नहीं कल पर जाएगा। तो उनके साथ मैच होगा सीडी अलगर टीम के साथ। तो इस मैच का जो अपडेट है, जो रिजल्ट है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज आया है वो है एफसी गोवा से ही जुड़े। तो दोस्तों एफसी गोवा का भी सीजन टिकट अवेलेबल होने वाला है 19 सितंबर से और ये चलेगा 6 अक्टूबर तक। और कहां आपको कैसे टिकट मिलेगा इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो मैं अभी खुद कंफर्म हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक और बात, आज मैं आपको नॉर्थ इंडियन एफसी का जो टोटल टीम का स्क्वाड वीडियो है वो देने वाला था, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो तैयार नहीं कर पाया और मैं शायद आपको कल देने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था लेकिन निभा नहीं पाया। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कल वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी इतना ही था आज का न्यूज़। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल की इस वीडियो को देखने के लिए। आपके अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह के न्यूज़ के बारे में पता चले डेली। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।